देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, मैं अभी भलवाना पंचायत के भलवाना ग्राम में ये अरविंद कुमार सिंह उदिया प्रत्याशी हैं, बाबू बांध पंचायत से चकोखरी प्रखंड के अंतर्गत आता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर नाथ माई का मंदिर है, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की महत्ता राजा भोज के समय का रहा है, तो इसके बारे में बताना जरूरी हो गया था। जो माँ का आशीर्वाद लेता है उनका मनोकामना माँ जरूर पूरा करती है। तो आइए जानते हैं अरविंद जी से कि अरविंद जी ये बताइए कि इस बार पंचायत चुनाव में आप पहली बार खड़े हैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में, तो चुनाव जीतने के बाद विकास का मुख्य आकर्षण केंद्र क्या होगा? सबसे पहले हम यहाँ माथ माई के प्रणाम करते हैं और बाबूबंद पंचायत की जनता को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले पंचायत के जो भी काम होगा, सामूहिक काम होगा हमारे साथ, जो भी पंचायत में काम होगा गांव के बैठक समाज के बैठक के अनुसार होगा। हमारे पंचायत में बहुत काम पिछड़ा है, जैसे में सबसे पहले बूढ़ा पेंशन है, राशन कार्ड है, इंद्र आवास है, ये तीन काम पर सबसे पिछड़ा पंचायत मेरा बाबू बनता है। इस कार्य को आप बखूबी पूरा करेंगे। सबसे पहले मेरी प्रथम मुद्दा है ये बताइए कि स्वयं सहायता समूह जो कि एक विकास की बहुत बड़ी धुरी होती है, सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं जो है वो स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित होती है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जो भी सामाजिक काम होगा, काम होगा जो साथ समझिए कोई भी काम हो, सब सामूहिक काम एकदम मिनिमम बैठा के करेंगे। देखिए मेनली मेरे बताने का मतलब था कि समूह एक ऐसी चीज़ है जो 10 लोग मिल के एक लोगों को मदद करके उनको स्वावलंबी बनाते हैं, तो इस हिसाब से धीरे धीरे पूरा गांव, पूरा पंचायत, पूरा प्रखंड, पूरा जिला समृद्ध होता है, इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतने के बाद इस पर कुछ ज़्यादा फोकस करें और इसके बारे में सबसे पहले यही हम बोल रहे हैं कि क्या है करने वाले, कि गांव की जनता जो कहेगी, जो मुखिया के पावर में होगा काम, सामूहिक रूप से काम करेंगे हम, व्यक्तिगत काम किसी का नहीं होगा। व्यक्तिगत काम जो बोले कि ये काम मेरा है ये है वो बात अलग है, लेकिन सामूहिक काम जो विकास का काम होगा, सामूहिक काम मेरे साथ होगा, पूरा पंचायत के साथ होगा। आज जो बेरोजगारी इतना बढ़ा हुआ है, कोरोना काल अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है और ऐसे में पंचायत चुनाव हो रहा है, तो एक बेरोजगारी दूर करने के लिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बेरोजगारी दूर करने के लिए तो सरकार की चीज़ है, सरकार की चीज़ है। हम लोग के में सबसे बेरोजगारी है जो उसको राशन किराशन वितरण के बात है, पंचायत में हम लोग सबसे फोकस है इस पर। तो सबसे यहाँ डीलर लापरवाह कर रहे हैं, कोई भी राशन के एक महीने फ्री का रहा है तो वो भी नहीं बांट रहे हैं, कोई पैसा वाला बांट रहे हैं। कई BPL परिवार ऐसे भी हैं जिनका नाम BPL सूची में नहीं है, उनके लिए आप क्या करें? सबसे पहले उनका नाम जोड़ेंगे हम, BPL सूची, बूढ़ा पेंशन, इंदिरा आवास, तीन बात पहले ही बोले हैं, सबसे पहला काम रहेगा मेरा। कहीं कहीं ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि जो सर्वेयर होता है या विकास मित्र होता है उसकी कमियों के कारण बहुत सारे लोगों का BPL सूची में नाम रहने के बावजूद भी उससे सही बात है, घुसखोरी है पंचायत में, मुखिया है लोग घुसखोरी है, बड़े बड़े लोग का इंदिरा आवास है, बड़े बड़े घर में राशन कार्ड है, जिसका 5 बीघा 10 बीघा खेत है। हम बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम बावन पंचायत में जयप्रकाश सिंह है। जयप्रकाश जी आप युवा हैं, हाँ, तो युवाओं के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले हमारे बाबू पंचायत में सरकार क्या योजना ला रही है ये किसी पता ही नहीं रहता, पता उसी के रहता है जिसका मुखिया होता है। आज का जो भी मुखिया है, जो भी वार्ड है, अभी कोरोना काल हुआ था, कितना था राशन, धान, गेहूँ, चावल, दाल, वो किसी को नहीं मिला, जो अपना था उसको मिला। मैं इसका विरोध करता हूँ। अरे राशन कार्ड के बाद सिर्फ पक्का मकान वाला राशन कार्ड मिला है। मैं BDO साथ मीटिंग में था तो ब्लॉक में,
वो बोला ये बजेन का जो है विकास मित्र का नाम सूरज नाम है सूरज सूरज मेरा घर पीछे होगा। ठाकुरी पंचायत की मैडम थी कौशल थी जो बागुन पंचायत में आने वाली थी कोई भर नहीं हुआ 1000 रुपया जो राशन कार्ड बनवाओ। इस ये समस्या को हमारे छोटे भाई हैं बिल्कुल दूर करेंगे। अब बात की है बेरोजगारी की, हमारे पंचायत में बेरोजगारी मतलब मनरेगा जितने मजदूर हैं हमारे सभी को कहीं काम नहीं मिलता। फंड आता है प्रमुख कुछ खा लेता है फिर कुछ खा लेता है वहाँ पहुँचा नहीं। ये भी काम प्राथमिकता रहेगी कि मनरेगा मजदूर को सही काम मिले सही टाइम पर वेतन मिले। अच्छा किसानों के लिए आप कुछ बताइए जिससे उनका उत्थान हो सके, आज के डेट में तो किसान बहुत परेशान है। देखिए क्या मानते हैं इसको? बिल्कुल किसान परेशान है। ये तो जो भी वितरण आता है ब्लॉक में जैसे डीजल वितरण हुआ तो इसके लिए काम करेंगे। नहर खुदाई की बात करते हैं, नहर खुदाई की बात है उसके भी बात करेंगे। खाद बीजों और खाद वितरण हुआ तो इसका मुद्दा उठाएंगे कि आजकल में 300 के बड़ा 400 मिल रहा है इसका भी आवाज़ उठाएंगे। यहाँ कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं होता है। हम बोलो चलो कंप्लेन करते हैं तो बोले क्यों क्या बात है क्योंकि मत करो कंप्लेन, लेकिन जब तक कंप्लेन नहीं कीजिएगा तब तक समस्या का हल नहीं होगा। अंत में केवल सर टीम के साथ आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये बात आप लोगों के संज्ञान में है कि बहुत से किसान आज के डेट में करेंट से मर रहे हैं, ये जानकारी है आप लोगों को? ऐसा क्यों हो रहा है और ये कब बंद होगा कुछ बताइए। बंद ये लापरवाही भी है तो किसान की लापरवाही भी है। कोई लोग नंगे पैर चल जाते हैं पनाह करने के लिए, घर में भी मोटर चलता है नंगे पैर चल जाते हैं। ये लापरवाही सुधारना पड़ेगा, बिजली से बचना पड़ेगा और जो भी समस्या होगा किसान जो करेंट से मर जाते हैं हम वीडियो तक सीट उसके मुद्दे के बाद रखेंगे। ठीक है, आपका पंचायत शौचालय में ODF घोषित हो गया है और शौच के लिए सब लोग बाहर जाते हैं, इस पर आपका क्या राय है? मेरे को सब पैसा खा गया है, पैसा आया था यहाँ डस्टबिन का भी पैसा आया था, वार्ड में डस्टबिन नहीं लगा सब पैसा खा गया है। इतना कुछ नहीं कर सकते हम, एक कंप्लेन नहीं कर सकते जब तक जनता का साथ नहीं मिलेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते, कंप्लेन नहीं कर सकते। दो जगह का चुनाव हुआ और दोनों जगह का रुझान ये है, आज भी गिनती हो रहा है, वहाँ का भी रुझान ये बता रहा है कि जो पिछला मुखिया है वो लोग हार रहे हैं या वर्तमान मुखिया जीत रहे हैं, ये रुझान आपके पंचायत में होने वाला है या नहीं? ये तो हमारी जनता बताएगी, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते। जनता हमारा साथ है वो हमारे खिलाफ। जगदीशपुर से 85% न्यू वर्तमान मुखिया जीते हुए हैं, हजार हो रहा है यहाँ पे और यहाँ तरारी का चल रहा है और तरारी में भी 7 में से 1 ही नए मुखिया पुराने मुखिया जीते हैं, 6 नए मुखिया जीते हैं। यहाँ पर भी होगा सर, यहाँ पर भी होगा परिवर्तन।